देश में कोविड-19 के चलते मार्च, अप्रैल और मई महीनों में घरेलू बिजली बिल संपूर्ण माफ करने के लिए आज हिंगनघाट शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा शहर के उडान पुल स्थित बिजली कार्यालय के पास में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस संदर्भ में मनसे द्वारा अनेक निवेदन दिए गए, फिर भी राज्य सरकार ने इस पर आज तक किसी भी तरह का हल नहीं निकाला या उचित कदम नहीं उठाए। लॉकडाउन काल में जनता रोजगार से वंचित थी और जनता के पास में बिजली बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं, फिर कैसे बिजली बिल भरे। कोरोना का संक्रमण रहते हुए अभी भी राज्य में संचार बंदी भी शुरू है, तब छोटे बड़े उद्योग व्यवसाय बंद पड़े हैं, अनेकों की नौकरी आ गई है, मध्यम वर्ग के लोगों के पास काम नहीं। इस बिकट परिस्थिति में राज्य सरकार ने बढ़े हुए बिजली बिल देकर ग्राहकों को सदमे में डालने का काम किया। इसी विषय पर ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को पहले भी निवेदन देकर मनसे द्वारा अवगत किया गया है। निवेदन में कहा गया था, जब तक घरेलू बिजली ग्राहकों को पूर्णतः माफ नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी ग्राहक के घर की लाइन काटने का प्रयास किया गया तो बिजली बिल कार्यालय की तोड़फोड़ करेंगे। ऐसा इशारा मनसे के जिला अध्यक्ष अतुल वांदिले के नेतृत्व में चक्का जाम आंदोलन में किया गया। आंदोलनकर्ताओं ने निवेदन को कार्यकारी अभियंता हेमंत पावड़े को देकर मनसे जिला अध्यक्ष के द्वारा आंदोलन समाप्त किया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून रस्ता रोको या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले। महाराष्ट्र राज्य सरकारचा आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचा निषेध केला आणि चक्का जाम आणि आंदोलन करून रस्त्यावर उतरून या सरकारला धडा शिकवण्यासाठी म्हणून आम्ही या सरकारचा निषेध करत आहोत। आज कोरोनामुळे पूरा देशभरातली जनता, प्रत्येक नागरिक या कोरोनामुळे त्रस्त आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे महाराष्ट्रातलं सरकार आमच्या सर्वसाधारण जनतेला वाढीव बिल पाठवत आहे आणि वाढीव बिल सर्वसाधारण झोपडीत राहणारा भी माणूस असेल, शेतकरी असेल, कामगार असेल, त्यांना सुद्धा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये बिल येत आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन यांनी 3 महिने सरकारने लॉकडाऊन ठेवलेलं होतं आणि या पार्श्वभूमीवर जनता घरात बसलेली होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये या सरकारने, या 3-पक्षीय सरकारने ते वीज बिलचे युनिटसुद्धा दर वाढवण्यात आले आणि युनिट दर वाढून सर्व जनतेना वाढीव बिल पाठवण्यात आलं। हे सर्वसाधारण जनता बिल कुठून भरणार आहे हा प्रश्न सर्वसाधारण जनतेच्या मनामध्ये आलेला आहे। मनसे का जो भी ज़्यादा की वाढीव बिल के बारे में निवेदन प्राप्त हुआ है, वो सभी बातें एक पॉलिसी मैटर है और जो गवर्नमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही डील हो सकती है, तो इसके लिए उनका जो भी निवेदन है वो हम हमारे हायर ऑफिसर्स वरिष्ठ कार्यालय में भेजेंगे और जो भी निर्णय आता है उसके ऊपर अमल करें।